Hello everyone, welcome to my channel Cooking Yourself. So today I am going to make a masala fried fish, and these are the ingredients. तो हमने ले लिया है फिश, हमने थोड़े से पीसेस सेलेक्ट करके रखे हुए थे, तो हम कोशिश करेंगे कि पकने के बाद भी हम इसे इसी तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया है सारे इंग्रेडिएंट्स, और आपको लेना है एक बाउल, और अब हम ये सारे मसाले ये इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें इसका एक अच्छा सा थिक पेस्ट बनाना है। Include fish in your meal plan at least twice a week because it's rich in omega-3 fatty acids, and also fish is a low fat, high protein. So आप कोशिश करें कि आप किसी तरह से fish खाएं। आप चाहे इसे fry करें, या फिर आप चाहे इसे curry बनाएं, या फिर आप इसे steam करें, आप जैसे आपकी मर्जी हो। तो चलिए हम इसे इसमें डाल दिए हैं vinegar। अगर आप विनीगर ना यूज़ करना चाहें तो आप इसमें लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से अच्छा से थिक पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको इस पर स्प्रेड कर देंगे। आप इसे अच्छे से स्प्रेड कीजिए ताकि ये मसाला अच्छे से लग जाए, और आप इसे 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने रख दीजिए, या फिर फ्रिज में, या फिर आप बाहर भी रख सकते हैं। तो हमने इसको अच्छे से मसाला लगा दे रहा है। देखिए हमने इस तरह से लगा दिया है, और अब हमें लेंगे एक नॉन स्टिक पैन, उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए ब्रश से या फिर स्पून से, और हम पीसेस फिश के इस पर रख देंगे इस तरह। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और या फिर स्टीम भी कर सकते हैं। अगर आप इसे ही अगर कवर कर दे तो ये स्टीम हो जाएगा। तो देखिए ये पक चुका है, तो हम इसे कर देंगे फ्लिप, और हमें ये साइड भी थोड़े से देर पकने देना है। तो ये देखिए अब ये भी हो चुका है, तो हम इसे सर्व के लिए निकाल लेंगे। हम इसे करेंगे ऑनियन एंड लेमन के साथ सर्व। तो देखिए हमने इसको इस तरह से प्रेजेंटेशन के लिए रेडी किया हुआ है। आई होप यू लाइक माय रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।